So hello all, welcome back. So today in this video we will talk about next topic of Applied Maths Unit 1, which is partnership. हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे partnership के बारे में. Partnership. अब partnership हम लोग देखते हैं, लोग बाग business start करते हैं, कई सारे लोग आपस में आके जुड़ते हैं, है ना. कई सारे लोग जुड़ते हैं, सबकी अपनी अपनी conditions होती है, तो किसका कितना ratio रहता है profit पे वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक तो अमाउंट पे और एक टाइम पे. तो पार्टनरशिप भी दो तरह की होती है. सबसे पहली पार्टनरशिप होती है सिंपल पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप. सेकंड होती है कंपाउंड पार्टनरशिप, कंपाउंड पार्टनरशिप. अगर हम सिंपल की बात करें तो सिंपल भी कई तरह से, दो तरह से क्लासिफाई होती है. वैसे बेसिकली सिंपल पार्टनरशिप के अंदर दो कैटेगरीज आती है. सबसे पहली कैटेगरी जब इक्वल इन्वेस्टमेंट हो डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो इक्वल, इक्वल इन्वेस्टमेंट, और जो टाइम पीरियड हो वो अलग अलग हो फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, डिफरेंट टाइम पीरियड. तो जब इक्वल इन्वेस्टमेंट होता है और डिफरेंट टाइम पीरियड होता है तो प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के. तो हम कह सकते हैं एज, दो लोग हैं अगर ए और बी, तो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अपॉन बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो कितना होगा. अगर प्रॉफिट है तो दोनों में प्रॉफिट होगा, लॉस है तो दोनों में लॉस होगा. वो कितना होगा, टी वन अपॉन टी टू. ये टी वन और टी टू क्या है, मान लेते हैं ए ने इन्वेस्टमेंट किया टी वन टाइम पीरियड के लिए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया टी टू टाइम पीरियड के लिए, और दोनों ने इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो दोनों का फिक्स टाइम पीरियड के बाद प्रॉफिट शेयर कितना होगा, टी वन अपॉन टी टू. ऐसे ही सिंपल पार्टनरशिप की सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है अनइक्वल इन्वेस्टमेंट फॉर सेम टाइम पीरियड. जो सेकंड कैटेगरी है वो है अनइक्वल इन्वेस्टमेंट फॉर सेम टाइम पीरियड, टाइम पीरियड. तो सेम टाइम पीरियड के लिए एक्स और वाई अमाउंट अगर इन्वेस्ट किया है दोनों ने, ए और बी ने, तो एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अपॉन बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, वो कितना होगा. अगर दोनों ने एक्स और वाई अमाउंट इन्वेस्ट किया, ए ने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, बी ने वाई अमाउंट इन्वेस्ट किया टी टाइम पीरियड के लिए, तो दोनों का रेशियो कितना होगा प्रॉफिट का, एक्स अपॉन वाई. जो थर्ड कैटेगरी थी वो हमारी थी कंपाउंड पार्टनरशिप की. कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है, अगर ए ने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया टी वन टाइम पीरियड के लिए, ए ने रुपीज एक्स इन्वेस्ट किए कितने टाइम पीरियड के लिए, टी वन टाइम पीरियड के लिए, और बी ने रुपीज वाई इन्वेस्ट किए कितने टाइम पीरियड के लिए, टी टू टाइम पीरियड के लिए, तो एक्स और ए और बी का कितना शेयर होगा प्रॉफिट में. तो हम कह सकते हैं एज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस अपॉन बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस विल बी एक्स इंटू टी वन अपॉन वाई इंटू टी टू, क्योंकि ए ने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया टी वन टाइम पीरियड के लिए और बी ने वाई अमाउंट इन्वेस्ट किया टी टू टाइम पीरियड के लिए, तो दोनों का शेयर कितना होगा, एक्स इंटू टी वन अपॉन वाई इंटू टी टू. अब डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 1.5. तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है इफ ए ए एंड बी इन्वेस्ट रुपीज 40,000 एंड रुपीज 50,000 रेस्पेक्टिवली इन अ बिजनेस फॉर 3 आवर्स. तो ए ने 40,000 इन्वेस्ट किया है, बी ने 50,000 इन्वेस्ट किया है, दोनों का टाइम पीरियड है 3 आवर्स, राइट. दोनों का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमको, 3 आवर्स. तो हमको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट. अब प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी,
क्योंकि दोनों ने फिक्स टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा सिंपल पार्टनरशिप का। जब दोनों ने टी टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है अमाउंट को, तो कितना रेशो होगा, एक्स अपॉन वाई का रेशो होगा, तो 40,000 अपॉन 50,000 आंसर कितना आ गया, 4/5। तो ये हमारा आंसर आ गया 4/5, सिंपल। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं, सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद 4,50,000 एंड इज जॉइंड लेटर बाय रमेश विद 6 लाख। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड रमेश जॉइन द बिजनेस इफ द प्रॉफिट एट द एंड इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2 बिटवीन सुरेश एंड रमेश रेस्पेक्टिवली। तो मतलब कंपाउंड का केस है, तो प्रॉफिट ऑफ सुरेश, प्रॉफिट शेयर ऑफ सुरेश अपॉन प्रॉफिट शेयर ऑफ रमेश, वो कितना होगा, एक्स इंटू T1 अपॉन वाई इंटू T2। अब देखो प्रॉफिट सुरेश ने कितना इन्वेस्ट किया है, 4,50,000, कितना एक साल के बाद दोनों का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 12 मंथ्स हम कह सकते हैं। सुरेश का T1 कितना हो गया, 12 मंथ्स, T1 हम कह सकते हैं कितना है, यहाँ पे इस वाले कलर से ले लेते हैं, T1 इन दिस केस इज इक्वल टू 12 मंथ्स, और T2 हमने मान लिया X, या T2 को T2 ही रखा हुआ है इसमें, तो T2 वी हैव टू डिटरमाइन, राइट। तो सुरेश रमेश का दिया हुआ है 6 लाख, तो वाई की वैल्यू 6 लाख, रेशो दिया हुआ है 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कैंसिलेशन के बाद T2 कितना आ गया, T2 की वैल्यू आ गई 6 मंथ्स, ये हमारी आ गई 6 मंथ्स। तो ये हमारा आंसर है, सिंपल थर्ड कैटेगरी का फॉर्मूला लगाया जब दोनों ने अनइक्वल अमाउंट इन्वेस्ट किया है अनइक्वल टाइम पीरियड के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, संदीप एंड नलनीश इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 5:4। If 10% of the total profit goes to charity and Sandeep's share in profit is 2000 rupees, then find the total profit. अब मान लेते हैं हमने total profit क्या माना, X rupees, total profit हुआ X rupees, तो 10% charitable amount है, तो charity में कितना गया, 10% of X, which is X upon 10, तो दोनों के profit कितना बचा दोनों के बीच में, मतलब total जो profit था वो कितना बचा अगर share करना हो तो X minus X upon 10, क्योंकि एक्स तो इनिशियल प्रॉफिट था और एक्स अपॉन 10 जो अमाउंट था वो चैरिटी में चला गया था, है ना, तो बचेगा क्या, 9x/10। अब हमारे पास कितना अमाउंट बचा, 9x/10 आफ्टर चैरिटी, चैरिटेबल अमाउंट को हटाने के बाद, चैरिटेबल अमाउंट को हटाने के बाद जो अमाउंट बचा वो है 9x/10। अब प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है 5:9, है ना, 5:9 मतलब संदीप का शेयर हमको दिया हुआ है 2000 रुपीज़, तो संदीप का कितना होगा इसमें प्रॉफिट, संदीप का अगर हम संदीप के प्रॉफिट की बात करें तो संदीप शेयर कितना होगा यहाँ से, 5/ टोटल शेयर, 5 + 4 9 होगा, है ना, टोटल शेयर 9 है, तो 5/5 + 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट आफ्टर चैरिटी, तो वो कितना होगा, ये वाला 5/9 मल्टीप्लाई बाय 9x/10 विच इज 2000, क्योंकि संदीप का शेयर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 2000 रुपीज़ है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4000 रुपीज़। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, x मतलब टोटल प्रॉफिट जो था वो कितना हो गया, 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था दोनों को, उसके बाद संदीप का शेयर 2000, तो नलनीश का शेयर भी कितना होगा, 2000 रुपीज़ का, वो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अमित स्टार्टेड अ बिजनेस विद 3,50,000 रुपीज़। आफ्टर 4 मंथ्स विकास जॉइंड द बिजनेस विद अमित एज अ पार्टनर। इफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड बिटवीन अमित एंड विकास इन द रेशियो ऑफ 5:4, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ विकास इन द कैपिटल। अब अमित ने इन्वेस्टमेंट किया 3,50,000 का, हमने मान लिया विकास ने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए, है ना, तो दोनों का प्रॉफिट शेयर हमको दिया हुआ है 5:4। अब हमको पता है कि अमित ने तो 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया था, अमित का टाइम पीरियड कितना है, 12 मंथ्स, विकास ने 4 महीने बाद अमित को ज्वाइन किया, तो 4 महीने बाद कितना अमाउंट बचेगा, 12 - 4 विच इज़ 8, तो 8 अमाउंट बचा कितना, किसका, विकास 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया किसने, विकास ने, तो विकास का अमाउंट कितना रखेंगे, 8। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू मतलब अमित का इन्वेस्टमेंट हमको दिया हुआ है 3,50,000, विकास का इन्वेस्टमेंट हमने माना हुआ है एक्स, अमित का टाइम दिया हुआ है 12 मंथ्स, विकास का टाइम हमारे पास कितना आया, 8 मंथ्स,
रेशो दोनों के प्रॉफिट का 5:4, तो यहाँ से सिंपलीफाई करके एक्स की वैल्यू निकाले तो कितनी आई, 4,20,000। मतलब विकास ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 4,20,000, कितने टाइम पीरियड के बाद, 4 मंथ्स के बाद। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल। आपको दोनों के टाइम पीरियड निकालने हैं, दोनों का अमाउंट निकालना है कितना इन्वेस्टमेंट था, तो प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इन द रेशो 3:5 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 5 मंथ्स सी जॉइंड देम विद एन अमाउंट इक्वल अमाउंट टू दैट ऑफ बी। जितना बी ने इन्वेस्टमेंट किया था उतने ही अमाउंट से सी ने ज्वाइन किया है ना, कितने टाइम पीरियड के बाद, 5 मंथ्स के बाद। सो इन वॉट रेशो शुड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। अब हमने मान लिया ए और बी ने कितने रेशो में इन्वेस्ट किया, 3:5 में। तो हमने मान लिया लेट ए इज इन्वेस्टमेंट भी 3x, बी इज इन्वेस्टमेंट भी 5x। अब ए और बी की इन्वेस्टमेंट है 12 मंथ्स के लिए, 6 महीने बाद सी ने बी के जितने अमाउंट के साथ इन्वेस्ट किया, तो बी का अमाउंट कितना है 5x, तो सी ने 5x के साथ इन्वेस्ट किया आफ्टर 6 मंथ्स। तो बचे कितने, 6 मंथ्स बचे, तो सिक्स मंथ्स के लिए सी ने इन्वेस्ट किया 5x रुपीज़। और हमको प्रॉफिट शेयर निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। तो ए ने 3x अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितने टाइम पीरियड के लिए, 12 मंथ्स के लिए, तो 3x इंटू 12 हो गया। बी ने 5x अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए, 12 मंथ्स के लिए, तो ये 5x इंटू 12 हो गया। सी ने 5x अमाउंट इन्वेस्ट किया, कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो ये 5x इंटू 6 हो गया। दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकालिए, जैसे 6 कॉमन आ रहा था 6 को बाहर निकालिए, बचेगा कितना, और 6x कॉमन आ रहा है तो 6x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिए, कितना बचा, 3:12, 3:2, सॉरी 3 इंटू 2, रेशो नहीं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा पहले वाले केस में, दूसरे वाले में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 बचा, और थर्ड वाले में 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बचा। तो ये कितना हो गया, 6:10:5। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों का प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, 6:10:5। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमको दिया हुआ था कि सी का इन्वेस्टमेंट कितना होगा, बी के जितना होगा, पर सी का टाइम पीरियड 6 महीने बाद इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए 12 मंथ्स में 6 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 6 मंथ्स। फिर हमने प्रॉफिट शेयर निकाल लिया दोनों का, तीनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नीरू एंड मीनू स्टार्टेड अ बिजनेस विद 2,00,000 and 1,50,000, राइट। आफ्टर 6 मंथ शालू ज्वाइन द बिजनेस, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 3,80,000। अभी देखो ये सेम क्वेश्चन है इसकी जैसे, तो टोटल प्रॉफिट हमको दिया हुआ 3,80,000, तो लास्ट का प्रॉफिट हमको दिया हुआ 3,80,000। मीनू का शेयर निकालना है, तो मीनू का शेयर कितना आएगा, जो भी रेशो इधर से निकलेगा उसमें मीनू का शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय 3,38,000, सॉरी, तो मीनू का शेयर, मीनू शेयर अपॉन टोटल शेयर मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कितना है 38,000, तो हमको मीनू का शेयर पता लग जाएगा। तो पहले पूरा क्वेश्चन सेम है, इस बार एक्स नहीं है, इस बार अमाउंट दिया हुआ है हमको, तो अमाउंट को लेना है, लास्ट में जाके एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो इसको हम लोग कर देंगे। मीनू शेयर अपॉन टोटल शेयर, टोटल क्या होगा, जैसे यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 6+10+5, तो ये टोटल प्रॉफिट का शेयर है। ऐसे ही उस टाइम पे जो उस केस में 6th क्वेश्चन के केस में जो बनेगा उसको ऐड कर देंगे, टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 38,000, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,50,000, बाय बी जॉइंड ए इन द बिजनेस आफ्टर 6 मंथ्स बाय इन्वेस्टिंग 1 करोड़ इट इज 1,10,100,000, 10,000,00,000, सॉरी 10 लाख, विद 10 लाख बी इन्वेस्टेड, एंड आफ्टर अनदर 6 मंथ्स सी जॉइंड ए एंड बी बाय इन्वेस्टिंग 12 लाख रुपीज। सी ने 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, बी ने 7,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, और सॉरी बी ए ने 7,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और बी ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो फाइंड द रेशो इन विच दे शुड शेयर द प्रॉफिट 2 ईयर्स आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस। 2 साल मतलब 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो 2 साल में 24 मंथ्स के लिए ए ने इन्वेस्ट किया 7,50,000 रुपीज़ को, बी ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए 18 मंथ्स के लिए, क्योंकि बी 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया था, तो 24 माइनस 6 वो कितना होगा 18। सी ने इन्वेस्ट किया
बी के भी 6 महीने बाद, तो 24 -6 -6 वो कितना होगा 12। दोनों तीनों का टाइम पीरियड पता है, तीनों का अमाउंट पता है, हमने रख दिया रेशो में, तो 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 18 रेशो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 12। सिंप्लीफाई करें तो आंसर हमारे पास 60:60:48। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ गया 5:5:4। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर क्वेश्चंस। तो ये अभी इतना ही करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।